साथियों नमस्कार। साथियों, राजस्थान में बेरोजगारों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उन सब को लेकर आज मैं आप लोगों के बीच में एक सत्यता को लेकर रूबरू हो रहा हूं। साथियों, सबसे पहले मैं बात करूं सेकंड ग्रेड की। सेकंड ग्रेड के गणित के पेपर से मैं शुरू करता हूं। आप लोगों को याद कीजिए, जब गणित में अंकों का विभाजन अठा दिया गया तब साथियों मैं भाई साहब उपेन यादव जी राजस्थान बेरोजगार महासंघ की तरफ से मैंने आह्वान किया, क्योंकि उस समय मैं रीट की तैयारी में और फर्स्ट ग्रेड में लगा हुआ था और रीट के मुद्दे उठा रहा था। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की कि साथियों आप लोगों के अंक विभाजन अठा दिए गए, यदि आप लोग संघर्ष करते हो, चार पांच जने भी साथ में आते हो तो आपके अंक विभाजन आ जाएगा। तो कम से कम आपको ये तो पता रहेगा कि 11वीं 12वीं की किताबों में से कितना आएगा और बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की किताबों में से कितना आएगा। एक ने भी नहीं सुना कि भैया आप भर्तियां अटकाते हो और आपको खुद को तो लेना देना है नहीं, आप भूल गए, आप सब कुछ भूल गए। मैंने कहा था मैं स्टूडेंट हूं और स्टूडेंट ही रहना पसंद करूंगा, मुझे इन नेतागिरी से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। जो आप लोग कुछ दिनों बाद में भली भांति जब तमाचा पे तमाचा पड़ेगा ना, तब एक दिन तो आएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, सत्य इंसान, सच बोलने वाला इंसान और बिना स्वार्थ के लिए कोई काम करेगा उसको तो सुनना पड़ेगा, उसको उसकी इस धरती पर हार होती है। मैं ये चीज एक्सेप्ट करता हूं। आज खुशी है मुझे कि बहुत जल्दी एक साल के संघर्ष में ही मुझे इन चीजों का एहसास हो गया। साथियों, संस्कृत डिपार्टमेंट में वरिष्ठ अध्यापक की जो गणित की भर्ती आएगी उसमें अंकों का विभाजन है, इस भर्ती में अंकों का विभाजन नहीं था। सरकार ने आरपीएस ने अंकों का विभाजन हटाया और आप लोग तमाशा देखते रहे। हम लोगों ने सत्यता से रूबरू करवाया, लेकिन आप लोगों ने हमारा ही विरोध किया, जिसका परिणाम आप लोगों ने देख लिया। ये सारी पहले से ही मिली भगत होती है। पहली बात, ये बात उन लोगों को बोल रहा हूं जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करके गणित में एक साल की मेहनत करके उन्होंने पेपर दिया है। ये बात कोचिंग वालों को भी पता थी, सबको पता थी, किसी ने कुछ नहीं बोला, जिसने बोला उसको और सुनाया, आपने उस समय सुनाया। ये वाली समस्या नहीं आए, इसलिए मैंने अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी कि जो मुख्य परीक्षा है उसमें सारी विसंगतियां दूर करवाई है, जो कि आप लोगों को क्या घर बैठे मिल गया, सारी सूचना मिल जाती है। तो आप लोगों को ये बिल्कुल ऐसे लगेगा कि भैया इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन सेकंड ग्रेड वालों से पूछना। दूसरी, ऐसा ही भर्ती के लिए मैं चीख चीख के बोल रहा हूं, जब रिजल्ट आएगा एक ही स्थान के एक जाति विशेष के लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, ये सत्य बात है। इसीलिए तो एसआई का इंटरव्यू लेट हुआ है, ये अधिकारियों को पता है, आरपीएससी को पता है ये बातें कि ये रिजल्ट में ऐसा हो रहा है, और इसको वो खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि यार चोरी भी हुई तो इतनी हद तक चोरी हुई है कि क्या कहेंगे बेरोजगारों को, एक अंदर से आत्मा तो बोलती है। और ये बात आप लोग याद कीजिए, जब एसआई का पेपर आउट हुआ था, सेंटर पे पकड़े गए थे, आंदोलन किया था, लोग कितने साथ आए, जब भाई साहब को वहीं से घर से जेल में ले गए, आप लोग पीछे से भग गए, एक भी नहीं था। क्या ये प्रदेश में 10-20 जने हैं? 10-20 जने तो साथियों सरकार को हिलाना चाहते हो, 10-20 जनों से सरकार को आप ये कहोगे कि एसआई की भर्ती को रद्द कर दो। आज भला हो कि एसआई की भर्ती में इंटरव्यू है, इसलिए नमूने आप लोगों के सामने आ रहे हैं, इन नमूनों को देखकर भी आप लोग मजे ले रहे हो, मजे नहीं, आप खुद के सपनों को बेच रहे हो। मुझे क्या बोल रहे हो, लोगों को क्या बोल रहे हो, कोई नहीं है, क्योंकि जो बेरोजगारों के लिए लड़ेगा ना, हकीकत में बेरोजगार ऐसी जाति बन गई है जो खुद की भी सगी नहीं है, बेरोजगार किसी का सगा नहीं है। मैं तो सल्यूट करता हूँ राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव को कि वो 10 साल से इस चीज को झेल रहे हैं। लोग जो मनाता है सरकार से, जो मनाता है वो बोलते हो शर्म करो, क्योंकि तुम लोग तुम खुद के नहीं हो, इसलिए तुम्हारे लिए लड़ने वालों के क्या रहोगे, क्योंकि तुम यहीं तक सीमित हो, ट्वीट कर दो, वीडियो डाल दो, एक कोचिंग वाला आता है, एक पोस्ट डालता है, जूते उते पहनता है, आराम से सज धज के एक वीडियो बनाएगा, आप लोग कहोगे हाँ धन्यवाद सर आपने युवाओं की मांग उठाई, भूल गए कल परसों के दिन प्रदर्शन था, पूरी सारी व्यवस्था करना, सोना जागना, आपको मैंने केवल पैरों की तस्वीर भेजी थी, ये कंडीशन थी उस सर्दी में, उस प्रदर्शन को धरातल पर लागू करने में, मेहनत करने में, लेकिन आप लोग नहीं आए, इसलिए आप चाहते हो भर्ती रद्द हो, मैं भी चाहता हूं भर्ती रद्द हो, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप भर्ती रद्द कराइए, आप मेरे को मत बोलिए। भर्ती रद्द करवाना चाहते हो, 38 जने आए और भर्ती रद्द करवाने की मांग लेकर हमें बोल रहे हैं कि हनुमान भैया हम आए थे, आपने क्या किया, 38 लोग आके एहसान करके गए, 38 लोग आके कि हम 38 जने आए और भर्ती रद्द करवाओ,
घर बैठे बैठे तमाशा देख रहे हो, देखते रहो। एसआई भर्ती का 100% पेपर आउट हुआ है। एक जाति विशेष के लोग, एक स्थान विशेष के लोगों का सिलेक्शन 80% से ज्यादा उनका सिलेक्शन हो रहा है। इतने ही पद थे, रिजल्ट आए तब देख लेना, मेरी बात याद कर लेना। सेकंड ग्रेड में पहले ही मिली भगत थी, सारी चीज आपके सामने आई है। और ये बात आपको मैथ के लिए तो मैंने पहले ही अवगत करवा दिया था कि अंक विभाजन करवा लो, वरना रोते रहोगे। और आप रो रहे हैं, हकीकत में रो रहे हैं और रोते रहोगे, इसी लायक हो, मुंह पे बोल रहा हूं इसी लायक हो। दूसरी बात, मैं नेता नहीं हूं, मुझे दूर दूर तक इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मैं बेरोजगार था, एक स्टूडेंट था, मुझे लगा कि मैं खुद कोशिश करूंगा तो स्टूडेंट मेरे से जुड़कर शायद ज्यादा कोशिश कर पाएंगे, ज्यादा तादात्म्यीकरण कर पाएंगे, उचित स्थापन कर पाएंगे, एक अपनत्व के साथ लड़ पाएंगे, इसलिए मैं आगे आकर लड़ा। आज साथियों मेरे आने से उन छोटी मोटी दुकानें बंद हो गई जो 100-100, 500-500 रुपए में लेकर अपना टाइम पास करते थे, उन छोटे छोटे संगठनों की दुकानें बंद हो गई, उन गैंग बंद हो गई। आज वो गैंग और पेपर माफिया, आपको एक बात और बता देता हूं, याद करना, सेकंड ग्रेड का पेपर भले ही आउट हुआ हो, आउट होने के बाद में यदि कोई उन बड़े बड़े लोगों का नाम लेकर लड़ने वाले था ना, तो वो हनुमान उपेन यादव बेरोजगार महासंघ था। बाकी सभी बड़े बड़े नेता भी उनका नाम नहीं ले रहे, मैं आज भी कह रहा हूं, बड़े बड़े नेता भी ऐसे बोल रहे हैं, 2 मंत्री 3 मंत्री डायरेक्ट नाम नहीं ले रहे, क्योंकि साथियों उस गैंग से डरते हैं, उस गैंग से डरते हैं, लगता है कि अपन व्यक्तिगत क्यों ले, एक भी नाम नहीं लिया। बाद में जिन लोगों ने नाम लिया है ना, उन लोगों को मुझे पता है किस तरीके से उन तक मैंने बात पहुंचाई है, भग भग कर, दौड़ दौड़ कर, भगा दौड़ी करके। 24 तारीख को पेपर देने आया था सेकंड ग्रेड का, गांव से आप लोगों को बता करके मैं गांव चला गया था, मुझे इन चीजों से मतलब नहीं है। उसके बाद में जब रद्द हो गया ना पेपर, तो आपने जब आउट हो गया, आपने कहा भैया मांग उठाओ, मैं लाइव आकर पूछ कर आप लोगों को पर भरोसा करके मैंने मांग उठाई है, और मैं आज वापस गांव जा रहा हूं, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, और इन कमीनों से मैं डरने वाला भी नहीं हूं कि मैं इनसे कोई डर कर मुझे पढ़ना है। अगर एक कलम हाथ में होती है, यदि कोई टीचर, मैं तो कोचिंग करवा सकता हूं, मुझे लखन है, मुझे पढ़ाना आता है, मुझे नॉलेज होगी, किताबें पढ़ूंगा, किताबों को समझ दूंगा ना, तो मैं भी इन टीचरों की तरह बन सकता हूं, मेहनत करूंगा तो एक दिन तो मुझे भी सफलता मिलेगी। तब आप कहोगे ना कि भैया हमारी भी मांग उठा दो, तो मैं भी एक तरीके से बिल्कुल एक जिसे वीआईपी रेस नहीं होती, मैं क्यों इस मिट्टी में धूल में ऐसे कायर बेरोजगारों के लिए मैं अपना समय खराब करूं, अपनी लाइफ खराब करूं। 2 दिन पहले 28 तारीख को जो प्रदर्शन था, शाम को मैं एक न्यूज चैनल पर डिबेट में जुड़ा हुआ था, मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं थी, मेरी कैपेसिटी नहीं थी, मैं थका हुआ था सारे दिन, मैंने पैरों की तस्वीर आप लोगों तक शेयर की थी। उस लाइव में ऐसे कोई भी अपनी जाति का रोब झाड़कर उस लाइव में, खैर मैंने उस समय सुना नहीं था क्योंकि वहां पर भीड़ थी और आवाज आ रही थी, उस बंदे ने आकर मेरे को ये कहा कि हनुमान तेरा मुंह तोड़ दूंगा, हनुमान तू ये, मैं उस जाति का, मैं उस जाति का हूं, ऐसे 2 कोड़ी के लोगों से मैं डरने वाला नहीं हूं। लेकिन वो चैनल था, वो गरिमा थी, एक चैनल की गरिमा होती है, एक संगठन की गरिमा होती है, और मैं नहीं समझ पाया मैं कोई छोटा मोटा इंसान या फिर मैं ऐसा नहीं हूं कि कोई आकर 2 कोड़ी का गुंडा मेरे को धमकी देगा और मैं डर जाऊंगा, नहीं। लेकिन साथियों आप लोगों की बात यह है कि आप कितने मूर्खों, कितने बेरोजगार घसीटे जा रहे हैं, वो लोग उनका एजेंडा जब फेल हुआ ना, वो प्रभावी हो गए। अगर मैं गलत होता ना, हनुमान किसान गलत होता, तो मैं कमिश्नर कार्यालय के सामने मेरे आईडी, मेरा मकान नंबर, मेरे पूरा एड्रेस, सब चीजें पुलिस वालों को दी हुई है। धरना प्रदर्शन की अनुमति में हर एक बयान में हर चीज बताई गई है, वहीं पर धरना प्रदर्शन कर रहा था, मैं सामने नहीं जाता। और वो लोग इतने कमीने हैं, घर बैठे बैठे ट्विटर पर इन पे वीडियो डालते हैं और आप बोलते हो कि भैया धन्यवाद हमारी मांग उठाने के लिए। फर्क तो था, एसआई में धूलदानी हो गई, सेकंड ग्रेड में भी तुम्हारी धूलदानी हो गई, 100% हो गई। यदि बच जाए ना, तो कोई मैथ वाले और साइंस वाले, कोई भगवान का कोई आशीर्वाद ही हो और पेपर कठिन हो, इसलिए किसी आसपास का किसी का नंबर आ जाए तो आ जाए, वरना भूल जाना जिंदगी में नंबर आएगा। और एक बात और, फर्स्ट ग्रेड के पेपरों में जो टॉपर हो ना, टॉपर, उनका नाम देखना, उनकी जगह देखना, उनका सिलेक्शन कहाँ से कैसे हुआ है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो देख लेना। फर्स्ट ग्रेड वालों की भी आंखें खुल जाएगी और एक दर्पण मिल जाएगा, उसमें अपना चेहरा देख लेना, घर पे रहना, लाइब्रेरी में रहना। मैं तमाम कोचिंग वाले केवल और केवल सपोर्ट में नहीं आए, किसी ने वीडियो डाल दिया, किसी ने पोस्ट डाल दी, सपोर्ट में तब आते, घर से निकलो, कोचिंग के ताला लगाओ और प्रदर्शन करते तब आते। आप बोलते हो ना मांगों का कुछ नहीं होता, हमने गलती की है कि मैंने बेरोजगारों के लिए 1 साल का समय दिया, ऐसे कायर बेरोजगारों के लिए धरातल पर आकर।
बाकी अब मांग तो उठाऊंगा, लेकिन उन साथियों की, जो साथी रियल में दुखी हो ना, वो मेरे पास आना, दिल जान से लड़ूंगा, लेकिन जो दुखी हो, ऐसे कायरों के बीएड बीएसटीसी वाले और ये जो अपनी साथी है ना सेकंड ग्रेड वाले फर्स्ट ग्रेड वाले, इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। ये ऐसे हैं कि इनको घर से ना तो निकलना है और इनके लिए उल्टा इनको शर्म नहीं आती। ये लोग मेरे ऊपर भी कि भैया सरकार से मिले हुए हो, आपने बात दबा दी। अरे मूर्खो, याद रखना एक बात, आज यदि अब बात दब गई, आज मैंने कितने जिलों में ज्ञापन दिलवा रहा हूं ना, वो तो आप कल के अखबार में न्यूज़पेपर में पढ़ लेना। बात तब, अगर हम मुद्दा नहीं उठाते ना तो दबी हुई थी। आप सोचो कुछ तो किया, अरे नहीं करने के बजाय कुछ तो किया। आप नहीं आए इसलिए मैं तो पीछे हट रहा हूं, क्या अकेला बंदा करूंगा, होगा तो कुछ नहीं। लाठियां खा ली, पहले भी हम तो जेल तक गए थे, मुकदमे लगे हुए, दुनिया भर के मुकदमे खाए हुए। तुम्हारी पदों की भैया 4500 पदों को मुद्दा भटका रहे हो। अरे मूर्खों, मुझे पहले पता होता ना, मैं 1500 पद के लिए भी नहीं लड़ता। आज मैं एक्सेप्ट कर मुंह पे बोल रहा हूं। वो लोग खुल्लम खुल्ला मेरे को खूब कॉल कर रहे हैं कोचिंग वाले, कह रहा आपने कोचिंग वालों को क्यों बीच में इंक्लूड कर लिया, हमने क्या, हम तो साथ हैं, देखो हमने ग्रुप पे पोस्ट कर दी। अरे भाई तुम इतने महान हो कि तुम ग्रुप पे पोस्ट करने से तुम लोगों का समर्थन मिल गया और तुम्हारे लोग जय जयकार कर रहे हैं, तो हमने भी बीएड की हुई है, तुम्हारे पास भी नौकरी नहीं है, तुम्हारे पास भी मार्कर और नॉलेज है। जिस दिन हमारे अंदर भी मार्कर और नॉलेज हो जाएगी, हम भी पढ़ा लेंगे, क्यों ना इसी क्षेत्र में आ जाए। अगर जीवन बनाना ही है स्वार्थ, जब लोग इंजाम ही लगा रहे हैं, तो क्यों ना ओपनली इसी क्षेत्र में आ जाए, एक बोर्ड लाया जाए, कोचिंग कराइए, क्यों ना कोचिंग कराया जाए, कोचिंग कराओ, मस्त रहो, कोर्स बेचो, पैसे बेचो, फ्री में क्यों किसी के लिए धरातल से मेहनत करना, क्यों किसी के लिए, ऐसे लोगों के लिए क्या करना जिनका कोई मतलब ही नहीं है, उचित ही नहीं है। आज के बाद में धरातल पर मैं तुम लोगों की एक भी मांग नहीं उठाने वाला। जो जो साथी हद से ज्यादा दुखी होंगे और मुझे याद करेंगे, उनके लिए मैं तैयार हूं। बाकी साथियों, आप लोगों को बता दूं, पेपर बिकेंगे, बिकने दो, आगे भी बिकेंगे, और दुनिया की ताकत नहीं जो रोक सकेगी। उस दिन वार्ता में क्या हुआ सुन लीजिए, पेपर रद्द की बात, 38 जने आकर रद्द करवाना चाहते थे, पॉसिबल नहीं है, इसलिए रद्द की मांग करके कोई डंडे नहीं खाने थे, फिर भी हमने रद्द की मांग की, साथ में सीबीआई की मांग की, नहीं होगी सीबीआई की जांच, जब विपक्ष में बीजेपी बैठी है, वो बीजेपी से ही सीबीआई की जांच नहीं करवा रहे, हमसे भी नहीं होगी और नहीं होगी, मैं तो रूबरू को और मांग करने से कोई मतलब नहीं है, मांग की लेकिन नहीं होगी। लेकिन साथियों, उन कोचिंगों का जो नाम आया उन पर कार्रवाई होगी, जो पकड़े गए हैं उनके अभिभावकों पे भी केस होगा, साथ में ये कहां तक अभी फर्जी डिग्रियां उनके घर वालों को गिरफ्तार किया है, तो जांच चल रही है, उच्च स्तरीय मीटिंग हुई है, जिसका फैसला जल्द आपको देखने को मिलेगा, और बड़ा फैसला होगा निश्चित रूप से, इस बार पेपर माफियों के खिलाफ बड़ा फैसला होगा। धन्यवाद साथियों, लाइट चली गई है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, इतना ही कहूंगा, आंख बंद कर रात दिन इन चीजों को तो इग्नोर कर दीजिए, कोई किसी का नहीं है, किताबें उठाइए पढ़िए, सरकारी नौकरी नहीं होगी तो एक घर में मोबाइल है, आराम से रिकॉर्ड कीजिए, अपनी जो अंदर की जो भी काबिलियत है उसको बाहर लाइए और पढ़ाइए, और जिसको मेरे चैनल से रिलेटेड कोई भी काम हो, हनुमान किसान का जो ये चैनल है आप उसको ले सकते हो, यूज कर सकते हो पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के संदर्भ में यदि आप आगे आना चाहते हो तो मेरे प्लेटफॉर्म से आप शुरुआत कर सकते हो। बाकी ये भर्तियों की मांग, इन कायर बेरोजगारों की मांग उठाने से अच्छा है किताबें पढ़िए और अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद साथियों, आज के बाद में मैं भी एक स्टूडेंट हूं और स्टूडेंट ही रहना पसंद करूंगा। उन लोगों के ऊपर ये तमाचा है जो लोग, अब आप देखिए, उन लोगों को आप जवाब नहीं दे सकते तो सबसे दुश्मनी लेकर हमें भी कोई मजा नहीं आता, कैसे लोगों के लिए दुश्मनी ले जो लोग घर बैठे बैठे भी हमें बुरा करेंगे, भैया आप गलत हो, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। धन्यवाद साथियों, जो था सच था, एसआई भी गई, फर्स्ट ग्रेड भी गई, सेकंड ग्रेड भी गई, अध्यापक भर्ती परीक्षा में 48,000 पद है, भगवान से उम्मीद करूंगा कि कम से कम पेपर बिके।